तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नई सरा यूट्यूब चैनल के संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी 90 के दशक के शौकीन हैं और आपने भी ऑडियो कैसेट डेक प्लेयर से अपना मनोरंजन किया है और इनकी आवाज़ सुनकर ही आप बड़े हुए हैं, तो आप राजा बाबू नई सरा यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं आपको वही पुरानी यादें ताज़ा करता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में मेरे पास कुछ उसी दशक के कुछ गैजेट्स, मतलब डेक प्लेयर और दोस्तों कुछ प्रोडक्ट आए हैं, जैसे कि मैकेनिज्म का पार्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही मिस मत कर देना, पूरा ही देखना, क्योंकि सबकी टेस्टिंग दिखाऊंगा। और यदि इनमें से कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आए और आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में इसको रख के हम पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, तो ये डेक प्लेयर आप बड़ी ही आसानी से मुझसे बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर या व्हाट्सअप कर इनको बड़ी ही आसानी से आप बुक कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो चलिए एक एक कर आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं साइड में मेरे पास चार डेक प्लेयर न्यू ब्रांड रखे हुए हैं। सबसे नीचे है दोस्तों पैरामाउंट कंपनी का, उसके बाद दोस्तों है डॉलर कंपनी का, उसके बाद है जेडी गोल्ड और उसके बाद है गीको कंपनी का। तो ये चारों डेक प्लेयर मुझे करना है सेल। यदि आपको भी FLD मैकेनिज्म वाले डेक प्लेयर की डिमांड है तो इनको देख के जाना, क्योंकि इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा। AA में है सारे सेट, कोई दोस्तों अलग अलग क्वालिटी में है, तो आपको दिखाऊंगा मैं। अलग अलग इनकी MRP है, जो कि मैं व्हाट्सअप पर दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आया है एक छोटा सा मिनी डेक प्लेयर। मुझे पता है इसकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार सेल लगाई थी ना, उसमें ये दो पीस दिखाए थे शायद, तो आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि इसकी भी और भी पीस लाओ। तो इसका एक पीस और हमारे पास आ गया है, शायद एक नहीं दो हैं, एक और रखा हुआ है, तो इसके भी दो पीस हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है, इसमें दोस्तों इनबिल्ट स्पीकर होते हैं, तो आपको स्पीकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में रखिए, बहुत ही अच्छी आवाज़ होती है, सिंगल आइस ही होता है। यदि आप बाहर से स्पीकर लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें रहता है। तो यदि आपको भी डिमांड है छोटे वाले डेक प्लेयर की, तो कोई मिनी डेक प्लेयर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो भी दोस्तों इसके दो पीस हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक चाइनीज़ प्रोडक्ट आया है, जिसमें ऑडियो कैसेट प्ले भी होगी और दोस्तों इसमें रेडियो भी चलेगा। मॉडल आप देख सकते हैं और ये चाइनीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, महंगा भी नहीं है। यदि आपको चाहिए छोटी 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 मोटी आवाज़ सुनना है फिर घर पर रख कर, तो सुन सकते हैं। वॉकमैन से थोड़ी अच्छी आवाज़ आती है, रेडियो भी चलता है, हेडफोन भी इसमें आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये चलता है सेल से, और इसके बाद ये दोस्तों लाइट से भी चलता है। यदि आपको लाइट से चलाना है तो यहाँ पर इसमें एक केबल अंदर दी होती है, केबल से आप लाइट से कनेक्ट कर भी चला सकते हैं। तो इसके भी दोस्तों मेरे पास लगभग 7-8 पीस आए हुए हैं, यदि आपको चाहिए तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसकी भी मैं टेस्टिंग आज की वीडियो में दिखाऊँगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आया है एक मैकेनिज्म, और किस कंपनी का मैकेनिज्म है और ये किस चीज़ में लगता है, ये लगता है दोस्तों ऑटो रिवर्स कार प्लेयर में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते जो मैंने सेल लगाई थी उसमें आपको कार प्लेयर दिखाए थे, तो उसमें ये मैकेनिज्म डलता है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा मैकेनिज्म है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू ब्रांड मैकेनिज्म है और ये ऑटो रिवर्स है, इस प्रकार का देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसमें कैसेट लगती है और ये कार प्लेयर में लगता था। यदि आपको ऑटो रिवर्स मैकेनिज्म की डिमांड है, इसको आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, और मैकेनिज्म आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि ये आपके पास है तो आप अच्छी तरीके से कोई भी डेक मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी सब सामान आपको मार्केट में मिल जाता है, सिर्फ दोस्तों मैकेनिज्म नहीं मिलता। तो आप चाहते हैं ऑटो रिवर्स मैकेनिज्म तो ये आप मेरे से ख़रीद सकते हैं, इसके भी लगभग दोस्तों मेरे पास एक दो पीस आए हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों मेरे पास आए हैं FLD के फ्लाईव्हील देख सकते हैं, जो कि है दोस्तों रिकॉर्ड कंपनी के। और फ्लाईव्हील कैसे होते हैं आप जानते हैं, जिस पर दोस्तों रबर बेल्ट चलता है, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार के फ्लाईव्हील होते हैं जिस पर रबर बेल्ट चलता है, आपने देखे होंगे इस प्रकार के। तो इसके भी बहुत सारे पीस आए हैं। वैसे भी दोस्तों मेरे पास FLD और गोल्डन मैकेनिज्म के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे कि पिंच रोलर है, हेड है, सेंटर पुली जो भी है, बेल्ट वगैरह, बहुत कुछ पार्ट्स अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं। यदि आपको डिमांड है तो मेरे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर इनको ही आप खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि जो हम दशक छोड़कर आए, इन चीज़ों को हम भूल गए हैं, छोड़कर आए हैं, एक बार फिर से दोबारा मार्केट में आ जाएं और आपकी और हमारी यादें ताज़ा हो जाएं। और राजा बाबू नई सरा यूट्यूब चैनल की जो दोस्तों कोशिश है वो धीरे धीरे करके रंग भी ला रही है, और उसका कारण ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर अब ऑडियो कैसेट भी सेल करने लगे हैं, मैंने देखा है, और डेक प्लेयर भी दिखाने लगे हैं। तो एक माहौल बनता है दोस्तों 90 के दशक का, तो वो माहौल धीरे धीरे बनता चल रहा है। काश ऑडियो कैसेट कंपनी और डेक और कैसेट प्लेयर बनाने वाली कंपनी एक बार फिर से चालू हो जाए और बहुत अच्छे अच्छे डेक हमारे लिए देती जाए, जिससे हमारी पुरानी यादें ताज़ा होती रहें। क्योंकि दोस्तों हमारा भारत ही एक ऐसा है जहां पर ऑडियो कैसेट और डेक प्लेयर बंद हो चुके हैं। बाकी और
बाकी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी ऑडियो कैसेट और डेक प्लेयर चलते हैं। दोस्तों कुछ राजा बाबू नैसरा यूट्यूब चैनल थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, आप सभी का सहयोग रहा तो हम इस क्रांति को दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं इन सभी पार्ट्सों की अनबॉक्सिंग और आवाज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना यदि अभी तक नहीं किया है तो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू और देखते हैं 90 के दशक की कुछ पुरानी यादों का खजाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं गीको कंपनी के बहुत ही शानदार FLD डेक प्लेयर से। आप देख सकते हैं इसमें गीको कंपनी की ब्रांडिंग है और ये बिल्कुल दोस्तों सील पैक है और मैंने इसकी अभी अनबॉक्सिंग भी नहीं की, बाकी इनको तो मैंने सील ब्रेक कर दिया है लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या है और पूरी जानकारी आपको देते हैं, इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी LED लाइट दी हुई है यहाँ पर जो कि दो कलर की है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी जो पॉलीथीन है इसके बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसकी आवाज़। तो ये दोस्तों मैंने इसका कर दिया अनबॉक्सिंग और ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है इस बेहतरीन डेक प्लेयर का, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत ही शानदार FLD मैकेनिज़म दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्विटर भी मिल जाते हैं, मतलब ट्विटर की इसमें आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें साथ में दी हुए हैं। उसके बाद वॉल्यूम दी हुए हैं, दो वॉल्यूम है, टैप ऑक्स है, लाउड है और पावर है, बेस है, ट्रबल है और ये ड्यूल इसमें दोस्तों दी हुई छोटी छोटी LED लाइट। चलिए दोस्तों आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, इसमें ये दिया हुआ है दोस्तों याद वारंटी कार्ड भी है लेकिन अभी उस ज़माने में आता था ही, अब इस ज़माने में कोई वारंटी तो रहती नहीं है। तो चलिए इसको साइड में रखता हूँ और आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो यदि हम बैक साइड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको दो स्पीकर लगाने का ऑप्शन मिलता है, 12 वोल्ट बैटरी लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है और ये दोस्तों लाइन इन का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम ऐसे डेक प्लेयर आते हैं जिसमें लाइन आउट या लाइन इन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको लाइन इन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो चलिए मैं स्पीकर कनेक्ट करता हूँ और इसमें दोस्तों आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस डेक को सेटअप कर लिया है, बहुत ही अच्छी इसमें LED लाइट है जो कि बहुत ही कलर्ड है, ट्यूटर है, बहुत से ट्रबल है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। चलिए कोई कैसेट लगाती हैं और इसकी आवाज़ सुनाते हैं और कैसेट हम वही लगा रहे हैं हमारी प्यार प्यार और ये मैंने लगा दी कैसेट। चलिए रिमाइंड करता हूँ और इसको हम करते हैं प्ले। ये दोस्तों आपने देखा बहुत ही शानदार इसकी आवाज़ है, इसमें छोटे छोटे ट्यूटर भी लगे हुए हैं, चाहे तो हम कैसेट को पलट कर भी लगा सकते हैं और सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार इसकी आवाज़ है, चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट डेक। तो चलिए दोस्तों अब हम आवाज़ सुनते हैं JD गोल्ड कंपनी के CDX2520 की। इसमें दोस्तों FLD मैकेनिज्म है, डबल वॉल्यूम है, इसके बाद टैप है, लाउडनेस है, पावर है और यहाँ पर दो ट्रबल, दो बास, दो वॉल्यूम और ये दोस्तों इसमें छोटी सी LED लाइट दी हुई है। चलिए इसको लगाते हैं, हम दिखाते हैं आपको बैक साइड से। यदि हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है और स्पीकर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अब आपको सामने से इसकी आवाज़ भी टेस्ट कराते हैं और कैसेट हम वही लगाएंगे हमारी प्यार प्यार जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें लगाऊंगा मैं। तो चलिए इसको लगाते हैं हम और आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, ये पावर बटन दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये हो गया ऑन और इसको करते हैं हम प्ले। कैसेट को लगाते हैं पलट कर और ये कैसेट मैंने पलट दी है और प्ले करते हैं। इसको करते हैं रिमाइंड और रिमाइंड के बाद फिर प्ले करते हैं। इसमें दोस्तों शायद 44-40 या 44-45 IC का सेट है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है जो कि आपने सुनी है। चलिए आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ डॉलर कंपनी का RS7530 और इसकी टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। जो भी डेक प्लेयर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा हो यदि आप खरीदना भी नहीं चाहते तो
तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आपको इनमें से कौन सी की आवाज़ अच्छी लगी और कौन सा पसंद आया। चलिए डॉलर का देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डॉलर कंपनी का डेक प्लेयर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है इसका, और इसमें दोस्तों FLD मैकेनिज्म डला हुआ है, डबल वॉल्यूम है दोस्तों, डबल बेस है, डबल ट्रेबल है, लाउडनेस है, और इसके बाद इसमें पावर ऑफ है और LED ऑफ ऑन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसको बैक साइड में दिखाते हैं। तो अब बैक साइड की यदि हम बात करें तो इसमें बैक साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, तो इसमें सिर्फ दोस्तों आपको स्पीकर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है और 12 वोल्ट DC का ऑप्शन है। इसके बाद इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना। तो चलिए इसको ऑन करते हैं सेटअप करने के बाद, और इसको आवाज़ सुनाते हैं। तो ये कर दिया दोस्तों मैंने इसको ऑन, और ये वॉल्यूम है इसके। चलिए कैसेट लगाते हैं हम और इसकी आवाज़ सुनते हैं। एक ही गाना मैं आपको सभी डेक में सुना रहा हूँ, तो आप बताना कौन सा डेक अच्छा लग रहा है आपको। चलिए इसको दोस्तों पलट के लगाते हैं कैसेट को, और पलटने के बाद इसकी आवाज़ सुनते हैं। चलिए इसको करते हैं रिवाइंड, करते हैं फॉरवर्ड, सब कुछ काम कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में हमारे पास पैरामाउंट का है, इसकी भी आवाज़ सुन लेते हैं। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, पैरामाउंट से पहले हम एमटोन कंपनी का जो मिनी डेक प्लेयर आया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, इसकी हम थोड़ी सी आवाज़ सुन लेते हैं। इसके बाद एक दो प्लेयर और हैं छोटे वाले, उसके तो देख लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे हम दोस्तों पैरामाउंट का। तो ये दोस्तों मैंने फाइनली इसको कर दिया है ऑन, और इसका आपको मैंने इंटरफेस दिखाई दिया। यहाँ पर इसमें दोस्तों छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पीछे का ऑप्शन भी देख लीजिए, मैंने एक बार और दिखा दिया आपको। तो चलिए इसमें कैसेट लगाता हूँ वही, और इसकी आवाज़ सुनते हैं। ये निकाल लिया मैंने मैकेनिज्म, और कैसेट को हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों पलट के लगाते हैं, वही कैसेट वही गाना अलग अलग डेगों में आपको सुना रहा हूँ मैं। फाइनली दोस्तों ये भी रेडी है, यदि आपको परचेस करना है तो इसको भी परचेस कर सकते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है चाइनीज कंपनी का एक छोटा सा डेक प्लेयर, जिसमें दोस्तों कैसेट प्ले भी होगी और रेडियो भी चलेगा। इंटरफेस आप कुछ इस देख सकते हैं, इस प्रकार का है, और यहाँ पर दोस्तों इसमें ट्यूनिंग भी दी हुई है। FM TV और टैप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इसमें दिया हुआ है एक एंटीना, जो कि FM के काम में आएगा। और इसमें पीछे की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों हम सेल डालेंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे लाइट को। तो ये दोस्तों एक्चुअली में इसमें एक केबल अंदर दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं लाइट लगाने के लिए, लेकिन मैंने अलग से केबल लगा ली है। चलिए केबल को अटैच करता हूँ इसमें, और देखते हैं हम क्या आवाज़ है इसकी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये ऑन हो गया है, और इसको हम मैकेनिज्म को ऐसे बाहर निकालेंगे, और हमारी वही प्यारी कैसेट लगाने जा रहे हैं प्यार। तो चलिए इसको लगाता हूँ कैसेट को मैं, और इसकी आवाज़ भी हम सुनते हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कैसेट सही लगी है नहीं लगी। और दोस्तों इसमें हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यदि हमारे पास ब्लैंक कैसेट है तो दोनों बटन को पॉज कर हम अपनी आवाज़ को इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलिए पलट के लगाता हूँ इसी कैसेट को, और इसका फिर हम गाना सुनते हैं। उसके बाद इसको रेडियो भी देखेंगे, यदि रेडियो ऑन हुआ तो वो भी देखेंगे हम। चलिए तो दोस्तों इसकी आवाज़ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी आवाज़ है, और कम आवाज़ है लेकिन इसको भी हम ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी। और चलिए इसका रेडियो देखता हूँ मैं, रेडियो यदि चलता है इस समय, क्योंकि रूम में लाइट ज़्यादा है तो रेडियो मुश्किल है चले, फिर भी देखता हूँ मैं। देख सकते हैं रेडियो ट्यूनिंग कर रहा है, जिसमें ट्यूनिंग दी हुई है यहाँ पे। तो शायद अभी रात के शायद 12 बज रहे हैं, तो कोई भी बैंड काम नहीं कर रहा है, और लाइटिंग भी है, तो इसमें रेडियो भी है दोस्तों। हमारे लिए दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, टैप का और रेडियो का। ये भी चाहिए तो इसके भी मेरे पास कई पीस हैं,
लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट में मैंने आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि एक मैकेनिज्म आया हुआ है जो कि कार प्लेयर का है, तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। और पास से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर मोमोची कंपनी की मोटर लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, ओरिजिनल मोटर है। और दोस्तों ये ऑटो रिवर्स होता है, इस प्रकार का होता है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर कैसेट लगती है जो कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसमें कैसेट लगती है जो कि कार प्लेयर के काम में आता है। तो यदि आपको ये मैकेनिज्म चाहिए तो इसके भी दोस्तों मेरे पास 2-3 पीस हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम पैरामाउंट कंपनी की टेस्टिंग करते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पैरामाउंट की ब्रांडिंग है और ये FLD मैकेनिज्म डला हुआ है। यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाते हैं VU मीटर, ठीक है, डबल वॉल्यूम है। और यहाँ पर दोस्तों झनकार के ऑप्शन अलग बहुत सारे मिल जाते हैं हमको। चलिए बैक साइड से दिखाता हूँ आपको मैं। यदि बैक साइड की मैं बात करूँ तो बैक साइड में इसमें दोस्तों हमको मिल जाता है डबल स्पीकर लगाने का ऑप्शन है, 12 वोल्ट सप्लाई का ऑप्शन है, लाइन आउट का ऑप्शन भी है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें हमको लाइन आउट का ऑप्शन मिल रहा है। यदि हम ऑडियो कैसेट से MP3 बनाना चाहते हैं या इसकी आवाज़ हम होम थिएटर में ले जाना चाहते हैं तो लाइन आउट के माध्यम से ले जा सकते हैं। चलिए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं और आवाज़ सुनते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसमें स्पीकर कनेक्ट कर दिए हैं और इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं हम। इसमें एक बहुत ही अच्छी रिंगटोन आ रही है जो कि आप सुन रहे होंगे, जो कि कैसेट प्ले नहीं होती तब ये रिंगटोन बजती है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस रिंगटोन की। तो चलिए इसमें हम कैसेट लगाते हैं और कैसेट हम वही लगाने जा रहे हैं हमारी प्यार प्यार। ये लगा दी कैसेट, तो अभी आपको मैंने लगभग जितने भी डेक दिखाए हैं सबकी आवाज़ भी सुना के दिखा दी है। कोई भी डेक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर लेना। और आप सभी दर्शकों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कोई ब्रांडेड कंपनी का कोई डेक क्यों नहीं दिखाते आप। तो दोस्तों ये पैरामाउंट भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, यूनिवर्सल भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। और भी मेरे पास जो कंपनी आती हैं ज़्यादा महंगे दोस्तों ब्रांडेड लाते हैं तो उनके पार्ट्स नहीं मिलते और आप लोगों को डिमांड आती है कि उसके पार्ट्स दीजिए, तो पार्ट्स नहीं मिलने के कारण मैं ज़्यादा महंगे और ब्रांडेड नहीं लाता। लेकिन जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जैसे इसमें FLD डला हुआ है, इसके पार्ट्स नॉर्मली मिल जाते हैं और कहीं नहीं मिले तो मेरे पास तो मिल ही जाएंगे। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पुरानी यादें ताज़ा करते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।